विनोद जी कितनी वोटा पईया? सर मेरे को 683 वोट पड़ा जी। आपको कितनी उम्मीद थी? सर हमको उम्मीद तो बहुत थी कि कम से कम 40-50 हज़ार वोट मिलेगा, लेकिन अब जो भी दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो नहीं दिया उनका भी करता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों तक पहुँच भी नहीं पाया क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं बस अब क्या बताऊँ आपसे सर, रोने को हो रहा है सर मन की, अगर लोग हमको वोट देते तो मैं कुछ गरीबों का काम जो कर पाता, क्योंकि गरीब आदमी ही गरीब को वोट देता, लेकिन गरीब ने भी हमको वोट नहीं दिया इस बारी। मन तो बहुत ही परेशान है सर कि बहुत आदमी सारे ऐसे हमारे पास आते हैं जो बोला कि वोट दूंगा, लेकिन फिर भी हमको वोट नहीं दिए। लोगों का फैसला था, लोगों ने खड़ा कराया था हमको, फिर मैं 5-6 महीने पहले से सबको बताता रहा सर कि हाँ भाई इलेक्शन में खड़ा होंगे, इलेक्शन में खड़ा होंगे, चाहे का काम है आपको पता है। सो लग्जरी गड्डियां दे विच घूमना, सिक्योरिटी अगे पिछे रहना, थे अफसरां दे वलों सल्यूट करना, सियासतदानां तो प्रभावित होके कई जिहड़े लोग हैगे ने ओह सियासत दे विच नितरदे ने, पर किसे किसे नूं ही सियासत रास आउंदी हैगी है। पहला नीटू शटरा वाला काफ़ी जिहड़ा चर्चा दे विच रहा, ते हुण तुहानूं चंडीगढ़ दे इक अजिहे शख्स नाल मिलवावांगे जो कि चाह दा काम करदा है, अते चंडीगढ़ दे विच रवायती जिहड़े लीडर ने उहनां नूं निराशा तो जिहड़ा हो के ओह मैदान दे विच नितरदा है ते लोक सभा चोणां लड़न दा फैसला करदा, ते हुण जदों लोकां दा फतवा सामने आया तां की कुछ स्थिति रही है लोक सभा चोणां दे विच, तुहानूं मिलवावांगे विनोद कुमार दे नाल जो कि आज़ाद कैंडिडेट दे वजो चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा कि मैदान दे विच नितरिया सी। सो विनोद जी किन्नियां वोटां पईयां? सर मेरे को 683 वोट पड़ा जी। आपको कितनी उम्मीद थी? सर हमको उम्मीद तो बहुत थी कि कम से कम 40-50 हज़ार वोट मिलेगा, लेकिन अब जो भी दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो नहीं दिया उनका भी करता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों तक पहुँच भी नहीं पाया क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं बस अब क्या बताऊँ आपसे सर, रोने को हो रहा है सर मन की, अगर लोग हमको वोट देते तो मैं कुछ गरीबों का काम जो कर पाता, क्योंकि गरीब आदमी ही गरीब को वोट देता, लेकिन गरीब ने भी हमको वोट नहीं दिया इस बारी जी। सर मन परेशान है? जी सर मन तो बहुत ही परेशान है सर कि बहुत आदमी सारे ऐसे हमारे पास आते हैं जो बोला कि वोट दूंगा, लेकिन फिर भी हमको वोट नहीं दिए जी। तो सर आप लोगों की बातों में आके जो इलेक्शन लड़ने का सोचे, या फिर आपका खुद का फैसला था? नहीं सर लोगों का फैसला था, लोगों ने खड़ा कराया था हमको, फिर मैं 5-6 महीने पहले से सबको बताता रहा सर कि हाँ भाई इलेक्शन में खड़ा होंगे, इलेक्शन में खड़ा होंगे, चाहे का काम है आपको पता है, 400-500 रुपये कमाता हूँ, 200-300 रुपये नौकर को लग जाता है, 100-200 ही बचता है हमारे पास में, लेकिन फिर भी मैंने लोगों के लिए मैं कहा चलो जो कुछ भी हमारे पास है लेके लड़ूंगा, जैसे भी हुआ जहाँ भी जाना पड़ा लोगों के हाथ पैर जोड़ के किसी तरह उनको गाड़ी हो कुछ हो जी सर। तो अभी तक कितने रुपये खर्च कर दिया आपने इन चुनावों के ऊपर? खर्च तो सर कुछ भी नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं तो क्या खर्चा करूँगा, लेकिन यह है कि 50-60 हज़ार रुपये जरूर लगे हमारे जी सर। वो आपकी जेब से लगे या वो भी आपने लोगों से मांग के लगाए? 25 हज़ार तो हमारे बीवी बच्चों ने दिया, बाकी सर लोगों ने दिया, कोई 500, कोई 1000, कोई 100, कोई ठंडा मंगा देता था, कोई कुछ मंगा देता था जी सर। तो इलेक्शनों में देखते हैं कि जो लीडर होते हैं ना वो गली गली घूमते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपने कैसा प्रचार किया? अगर प्रचार किया तब क्या आप बात अपनी लोगों तक पहुँचा नहीं पाए जो लोगों ने आपको वोट नहीं डाली? सर मैं बहुत जगह जा ही ना पाया क्योंकि मेरे पास साधन ही नहीं था, दूसरा हमको कार्ड दे दिया, हमको सबसे ज़्यादा चिंता उसकी है कि हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है रात दिन को, कम से कम 24 घंटा उसकी ड्यूटी थी, कहीं भी जाना है तुरंत तैयार रहता था। तो सर अब उसको अगर नहीं तो मैं साइकिल है हमारे पास, साइकिल से चले जाते लोगों तक, भागते ही उधर जहाँ कहीं जाते थे जो लोग इकट्ठा होते थे अपने आप ही एक दूसरे के इकट्ठा हो जाते थे, हमको कुछ कहने बोलने की जरूरत ही ना पड़ती थी। बहुत सारा लोगों ने साथ दिया, पर अब यही है कि अब क्या बताएं आपसे जी सर। तो 2-3 दिन तो आपने लीडरों वाली फीलिंग तो ली होगी कि हाँ मैं भी लीडर की कैटेगरी में आ गया, एक आम इंसान जो चाय का काम करता है जैसे ही वो नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको सिक्योरिटी दे देती है, लीडरों के साथ भी सिक्योरिटी घूमती है, अब किससे ज़्यादा जारी प्रभावित होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया?
बाकी ये देख सकते हो कि दिहाड़ीदार हैगा या अते जो चोन मैदान दे विच नित्या 60 से 70 हज़ार रुपये दे विच जिहड़ा कि पूरी इलैक्शन कंपेनिंग की है। तो नीटू शटरा वाले से आप प्रभावित हुए या पीएम मोदी जो कहते थे कि पहला मैं चाय बेचने का काम करता था, शायद आपको भी लगा कि आप भी चाय बेचने का काम करते हो, आपकी भी निकल पड़ेगी इन इलेक्शनों में? नहीं सर, चाय तो हमारा रोजी रोटी जहाँ मालिक जिसकी लगा देता है वो वही काम करता है, हमारी रोजी रोटी यही है, यही से सारा काम हमारा चलता है, घर का खर्चा, बच्चों का, जो भी हम कर पाते हैं उनके लिए करते हैं। बाकी अब हमको दुख इसी का है कि 25,000 रुपये उन्होंने दिया, हो सकता है कभी हमको डांट भी सकते हैं कि 25,000 वो भी लेके खराब कर दिया, लेकिन लोगों पर मुझे बहुत बड़ा विश्वास था कि लोग मुझे 90% वोट मिलेगा भगवान, इस तरह मैं फिर भी परेशान हूँ कि भगवान हमको वोट नहीं पड़ा। हाँ। जी सर, तो हिम्मत नहीं हारनी, आगे भी इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से लड़ोगे क्या? जी सर, फिर भी कोशिश करूँगा दोबारा फिर सर। हाँ। जी सर, तो इस बार आपके कुछ कमी कहाँ पे रहेगी, अगर मेन माना जाए तो कमी कहाँ पे रहेगी, आपके प्रचार में कमी रहेगी जो आपने जो मुद्दे उठाए थे उसमें कुछ कमी थी? देखिए प्रचार में तो कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि मेरे 2-3 बच्चे और 2-3 बंदे लगे हुए थे, जहां मैं ना पहुंच पाता था वहां वो भाग भाग के जा रहे थे, घर घर पर्चा बंटवाना, बहुत बड़ा, अब क्या बताऊं आपसे कि इतना बड़ा सहयोग हर किसी के परिवार का दे, जो कोई इलेक्शन में लड़े उसके बीवी बच्चे सारा सहयोग करें ताकि वो लोगों से ज़्यादा जाके मिल सके। जी सर, तो जैसे कि आप चाय का काम करते हो डेली, आपके पास कितने बंदे आ जाते हैं, आपने उनसे भी प्रचार के लिए यानी कि बोला था कि हाँ यार मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, बैटरी मेरा चौन निशान है? जी सर, बोला था सभी को, मैं 8 महीना पहले से बताना शुरू कर दिया था कि इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, लेकिन आपने फैसला कब किया इलेक्शन लड़ने का, कितना समय पहले किया था? कम से कम 8 महीना सर पहले, 9 साल लगा था, तभी से उससे पहले से खुशी हो रही थी मुझे कि बस अब आने वाला। अच्छा, है आने वाला है। ये बता दो कि आपको आपके ओपोजिशन जो विरोधी उम्मीदवार था वो कौन कौन थे जिसको आपने चैलेंज किया था, आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, जो चंडीगढ़ के मेन जो 2-3 बंदे हैं उम्मीदवार जो रहे हैं लीडर, उनका नाम बता दो। सर हम कैसे क्या बता सकते हैं, वो तो बड़े बड़े नामी हैं, आपको पता है मनीष तिवारी जी हैं, वो तो अच्छे वोटों से जीते हैं। हाँ। मैं भी वहाँ मौजूद रहा, गिनती होती रही। हाँ। ये गिनती में ये पता चला कि कोई वोट मतलब इधर उधर हो गया, बैटरी लो हो गई है। हाँ। फिर भी उन्होंने डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उसको 2-3 बारी करके उसको अच्छी तरह बिल्कुल स्पष्ट कराया कि हाँ संजय टंडन और उनके बेटे जी सारे मतलब कि उनको जो गलत फहमी थी वो सब दूर कराया। हाँ, प्रशासन की बहुत बड़ी वहाँ सख्ताई थी, जो भी उन्होंने जो कुछ भी उनको मन में शंका था सारा दोबारा तिबारा करके कम से कम 3 बजे चुनाव पूरा खत्म हो गया था, डिक्लेयर हो गया था 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, मतलब पूरा जब सारा काम डीसी साहब ने करवा करके बिल्कुल निष्पक्ष करके फिर उनको जो है सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, फिर मेरी बात हुई, मैं कहा साहब गरीब बंदे का ध्यान रखना, बोले हाँ जरूर ध्यान रखेंगे। जी सर, तो कितने दिन काम बंद रहा फिर, इलेक्शन की वजह से काम भी नहीं चला होगा आपका? सर काम तो नहीं बंद रहा, किसी ना किसी को बैठा के चले जाता, कोई आए हमारा यार दो तो चाय कहाँ पिएगा, इसलिए बस अब आज पहला दिन है जो मैं यहाँ आगे बैठा हूँ, कल भी आधा घंटा बैठा था। मन में निराशा है कुछ? निराशा यही है कि लोगों ने बस हमारे साथ धोखा हुआ कि हमको वोट नहीं डाला, पता नहीं कहाँ डाले, अब लोग बहुत लोग मुझे बोल रहे कम से कम इतना वोट आपको जरूर पड़ेगा, 70-80 हज़ार वोट का टारगेट था हमारा, तो हम कहा चलो जमानत बच जाएगी यही सब कुछ है, लेकिन वो भी ना करा पाए, इसलिए बहुत 25,000 भी गया, टाइम भी खराब हुआ। जी सर, हाँ 25,000 भी गया और टाइम भी खराब हुआ हमारा, ये समझ लीजिए आप कि बस क्या कहें प्रभु, रोने को मन हो रहा है। चलो हिम्मत नहीं हारनी, पहली बार इलेक्शन के बीच लड़े तो 700 के करीब वोटा लईया ने, सो ये जो लोग है इग्जाम्पल ने कि कुछ कर गुजरन की इच्छा जिन्हें होंगी है वो शुरुआत तो की है, एक हर कोई जी हर एक जो इंसान है कुछ नहीं कर सकता, पर बदलाव की नीयत मैदान उतर तो अगे भी चुन लड़ेगा। विनोद कुमार सुबह अपडेट जुड़े रहो हमदर्द टीवी, कैमरा परसन मोहन प्रविंदर चंडीगढ़।